अफेक्ट होते हैं कैसे ह्यूमन एक्शन से सोसाइटी अफेक्ट होती है सोसाइटी कैसे को अफेक्ट करती है ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं यानी कि सोशल एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं इकोलॉजी एंड सोसाइटी क्या होती है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और एनवायरनमेंट के बीच में क्या एक रिलेशनशिप है ये सब कुछ डिटेल में हम पढ़ चुके हैं आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिस्क सोसाइटीज देखो रिस्क सोसाइटीज नाम से क्या सजेस्ट कर रहा है कि सोसाइटीज uh, में कुछ तो भी रिस्क है या सोसाइटीज आर एट रिस्क हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं सोसाइटी के साथ में उसको रिलेट कर रहे हैं इन्वामेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आपने ग्लोबल वार्मिंग सुना है आपने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सुना है आपने एयर पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन साथ ही साथ में जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है फ्लड्स आ रहे हैं ड्रॉट पड़ रहा है और भी एन नंबर ऑफ जो है मेजर इन्वाटल प्रॉब्लम्स के बारे में आपने सुना होगा अब हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की रिस्क सोसाइटीज कैसे होती हैं क्या होता है इसके बाद में हम जो है भोपाल इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल डिस्क, डिस्क, में डिस्कस करेंगे हर एक चीज जानेंगे और मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं लाइक एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ये सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ओके सर रिस्क सोसाइटीज़ के बारे में पहले स्टडी करते हैं नाउ हो मैनेजमेंट इज हाउर अ वेरी डिफिकल्ट ट हम बहुत मतलब इस चैप्टर में स्टार्टिंग से बहुत बार हमने डिस्कस किया कि कैसे सोसाइटी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है कैसे जो है सोसाइटी में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लाइटेशन होता है कैसे जो है कुछ ही लोगों के पास में रिसोर्सेज को लेकर एक्सेस है क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके का है नॉर्म्स वैल्यूज कैपिटलिस्ट सोसाइटी ये सब कुछ जो है इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट भी सोसाइटी को अफेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं बात आ जाती है एन्वायमेंट को मैनेज करने की

बट इन्वायॉर्मेंट को कैसे मैनेज करोगे एन्वायरमेंट को मैनेज करना कोई एक बहुत इजी सा टास्क नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है आपने देखा होगा कंट्रीज में इंडिया की अगर हम बात करें सो so इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ऐसी मिनिस्ट्रीज होती हैं जो इन्वायरमेंट को लेके नेचर को लेकर कंसर्न होती हैं आपने सुना होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना है आपने सुना होगा कि जो है इन्वायरमेंट को लेके भी बहुत सारे ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उनको मेरे को

और बायोफिजिकल प्रोसेसेस के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते कि ह्यूमंस की जो एक्टिविटी है वो कैसे जो है को अफेक्ट करी है कैसे अफेक्ट होता चला हुआ जा रहा है क्या सारे उसमें कारण है बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप इजीली ना ही समझ सकते हो ना ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो इन एडिशन ह्यूमन रिलेशन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स साथ ही साथ में ह्यूमंस के जो रिलेशनशिप है के साथ में वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है सिंप्लीफाइड रिलेशनशिप नहीं है बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है सब एक दूसरे के साथ में

ब्रिटेन यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है क्या होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में या इंडस्ट्रियलाइजेशन में जहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है दैट इज़ मैकेनाइज्ड मतलब कि मशीन्स टूल्स टेक्नोलॉजीज इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करके प्रोडक्शन करते हो अल्टीमेटली बम्पर प्रोडक्शन होता है आप जो भी सोसाइटी में जो भी नीड्स होती हैं जो भी डिमांड्स होती हैं आप उसे सेटिस्फाई कर पाते हो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पाते हो और टाइमली मैनर में जो है आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो वर्क जो है वो इज़ी हो चुका है वर्क कैसा हो चुका है इज़ी हो चुका है एंड टाइमली मैनर में कंप्लीट हो सकता है ऑल बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पर टूल्स टेक्निक साइंटिफिक नॉलेज को यूज करना क्या बोलते हैं कि जहां पर आप अपने साइंटिफिक नॉलेज को यूज कर रहे हो एंड देन यू आर डूइंग प्रोडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा दैट इज ऑल योर इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है ये सारी चीजें हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये सब कुछ आप जानते हो ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है मैं यहाँ पर आपको कोई भी नई चीज नहीं बता रही हूँ अब जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है जब से इंडस्ट्रीज में जो है फैक्ट्रीज में जो है टूल्स टेक्निक्स मशीन इन सारी चीजों को यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है तो क्या होता है रिसोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन जहां आप नेचुरल रिसोर्सिस को अनलिमिटेड मतलब यूज कर रहे हो आप उसका इतना ज्यादा यूज कर रहे हो 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 कि कि नेचुरल रिसोर्सेज ही ही चुके हैं साथ साथ में इससे क्या रहा है कि जो पूरा इकोसिस्टम है दैट इज अफेक्टेड इन मतलब कि हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं इतना ज्यादा हमारा इकोसिस्टम इन सारी चीजों से क्या हो रहा है अफेक्ट हो रहा है और उसको जो है मतलब उसको पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया गया है नेचुरल रिसोर्सेज को जस्ट इमेजिन योर लाइफ विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज मान लो रिसोर्सिस ना हो तो क्या आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो मान लो पानी ना हो ठीक है वाटर नहीं है मान लो एयर नहीं है मान लो ट्रीज नहीं है और ये सारी चीज नहीं लैंड ही नहीं है तो क्या आपकी लाइफ होगी आप उसे इमेजिन भी कर सकते हो नहीं कर सकते हो अब क्या हो रहा है इन सारी चीजों का जो है है हो रहा है. और इस से अल्टीमेटली कौन अफेक्ट हो रहा इको सिस्टम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है आप सोसाइटी डेवलप हो रही है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ह्यूमन की नीड्स कैटर हो रही है सब कुछ हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो इन्वायरमेंट है वो ऐसे हो रहा है मतलब सोसाइटी ऐसे चल रही है इन्वायरमेंट ऐसे चल रहा है और अगर ये जब तक सेम

So, यहां पर उन्हीं चीजों के बारे में बताया जाता है कि एनवायरमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है इन सारी चीजों से नाउ कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट सिस्टम विच आर ऑफल फ्रेजाइल एंड वलनरेबल टू एरर अब अग, अब अगर आपने जो भी इंडस्ट्रियल स्टार्ट किया है जो भी इंडस्ट्रियल आपका सेटअप है उसमें आपको जो कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो भी पूरा मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिस भी तरीके से इंडस्ट्रीज काम करती हैं उसके लिए किसी एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपका जो है बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट सिस्टम हो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम हो लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैनेजमेंट में कोई एरर्स ना हो या उसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए तो हर एक चीज़ में एरर्स भी होते हैं सेम वे में वी आर लिविंग इन रिस्क सोसाइटी टेक्नोलॉजी वैसे ही हम आज प्रेजेंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो हम ऐसी रहे हैं जो कि रिस्क हैं। जहां हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जहां हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं जिसके बारे में हमको ज्यादा नॉलेज नहीं होता हम जस्ट उसको यूज कर रहे हैं और हम ऐसी चीजों को यूज करते हैं और इसी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो रिस्क पर आ जाती है और जो हमारा इन्वायरमेंट है जो हमारी इकोलॉजी है जो हमारा इकोसिस्टम है वो पूरी तरह

इसके रिपरक्यूशन या इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हमको कहां देखने को मिले चर्नोबिल डिजास्टर जो हुआ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो भोपाल में होता है मेटको डिसीज जो यूरोप में फैलती है ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल इन्वा की वजह से अब कैसे ये इंडस्ट्रियल इन्वायमेंट हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करता है कैसे हमारी सोसाइटीज इससे रिस्क सोसाइटीज बन जाती हैं और कैसे इससे इन्वामेंट या पूरी इकोलॉजी अफेक्ट होती है ये सारा कुछ हम डिटेल में समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में जहाँ हम भोपाल इंडस्ट्रियल डिजास्टर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्लियर है सो आई होप आपको ये तो एक्जेक्टली exactly समझ में आया होगा कि कैसे सोसाइटीज़ जो हैं वो रिस्क पर है ये जानना क्यों हमारे लिए जरूरी था इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको अगर यह नहीं पता होगा कि आपकी सोसाइटीज में आपको किस तरह के चेंजेस की रिक्वायरमेंट है कौन सी चीजें सोसाइटी में गलत हो रही हैं कौन सी चीज सोसाइटी के ऑर्डर को खत्म कर रही हैं तब तक आपकी सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाएंगी तो आपको क्या करना है एक तो डार्विन की थ्योरी याद करो चैप्टर टू से और सोशल चेंज और सोशल ऑर्डर को याद करो कि जब भी इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी हम सोसाइटी को रिप्रोड्यूस करेंगे तो रिप्रोड्यूस हम सोसाइटी को लास्ट में करेंगे पहले हम देखेंगे कि सोसाइटी में क्या सारी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू इन्वॉर्मेंट मेजर इन्वॉर्मेंटल

जगह आपको मैग्नेट पेन्स मिल जाएगा अब आ जाते हैं वेबसाइट पर गूगल पे जाना एंटर करना www.magnetbrains.com जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा स्क्रॉल करोगे देखोगे यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस आपको मिल जाएंगे